हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा वाइटी। तो गाइज, आज भी मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स है पूरे यूट्यूब कमेटी से। तो चलिए पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है शिव रिएक्शन किंग के बारे में। तो गाइज, आप में से बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे। बेसिकली इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, एंड ये हिप हॉप के सॉन्ग्स पर रिएक्शन देते थे। बट अभी पता नहीं किसी रीजन की वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए एमी वेंटाई ने कुछ ये कहा, शिव रिएक्शन किंग RIP ब्रदर, दिस इज शॉकिंग। एंड रफ्तार ने भी कुछ ये कहा कि सुसाइड इज नेवर ए सॉल्यूशन, पीछे परिवार रह जाता है दर्द में, RIP शिव, गॉन टू सून ब्रदर। एंड किंग ने भी अपनी स्टोरी में कुछ ये कहा, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्रेजी XYZ के बारे में। तो गाइस, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट दिया कि वो बहुत ही जल्दी एक मीटअप रखने वाले हैं। उन्होंने मीटअप का डेट एंड प्लेस बताते हुए कुछ ये कहा, तो हम लोग आ रहे हैं 18 तारीख को, 18 जून को शाम 5 बजे EP यानी कि एंटरटेनमेंट पैराडाइज जयपुर में, जो कि पड़ता है जवाहर सर्कल पे, और आप सभी से वहां पे मिलेंगे लाइव, करेंगे बहुत सारी बातें, करेंगे लाइव एक्सपेरिमेंट्स और भी बहुत कुछ। तो सब लोग आना 18 जून को, 18 जून शाम 5 बजे एंटरटेनमेंट पैराडाइज जयपुर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है रोस्टिंग गुरु के बारे में। तो गाइस, जिनके पास डी अब्दुल एंड अदनान की तरफ से इनकी रोस्ट वीडियो को हटाने के लिए रिक्वेस्ट आया है, हालांकि कि उनकी वीडियो अभी नहीं हटी है। उन्होंने मेल का स्क्रीनशॉट दिखाते हुए अपने कमेटी में कुछ ये कहा, अदनान 07 एंड हिज ब्रदर डी अब्दुल आर ट्राइंग टू टेक डाउन माय वीडियोस, इनकी बुरी वाली फट गई है यार। एंड उन्होंने नीचे मेल का स्क्रीनशॉट भी दिखाया, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर लेना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है समय रैना के बारे में। तो गाइस, यहां पे समय रैना बुक माय शो के ऊपर काफी ज्यादा एंग्री थे, एंड उन्होंने बहुत सारी स्टोरी डालते हुए उनके लिए कुछ ये कहा, तो बुक माय शो से गधी टीम कोई नहीं है, बुक माय शो का नाम होना चाहिए फक माय शो, क्योंकि बस वही कर रहे हैं मेरे पूरे शोज में। भाई सूरत के शो की बात है, पिछली जो अभी कोविड के लिए कैंसिल हुआ था, इन्होंने क्या किया था, मेरा शो इन्होंने अनाउंस कर दिया, शो सोल्ड आउट भी हो गया। उसके बाद कह रहे हैं सो सॉरी वी फॉरगॉट टू बुक द वेन्यू ओनली। मैंने कहा या बढ़िया, फक माय शो। अब दिल्ली शो की बात है, ठीक है, दिल्ली में मेरा बड़ा शो था, मैं बहुत खुश था, मेरे दोस्त आ रहे थे, रैपर सब लोग आ रहे थे। हीरो ने क्या किया, बुक माय शो मतलब फक माय शो ने क्या किया, उन्होंने 15-20 टिकट एक्स्ट्रा ही बेच दी, पता नहीं कैसे, ठीक है। और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि कैपेसिटी नहीं है उतनी, फिर उनको खुद से ही कॉल कर दिया कि सो सॉरी, जो हमारी वेन्यू की सीटें हैं वो थोड़ी फटी हुई हैं, तो आपका हम टिकट कैंसिल कर रहे हैं। और मुझे बताया नहीं इस बारे में, ना ही मेरी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को बताया, खुद से ही सेटलमेंट कर ली, ठीक है। और उसके बाद अपनी ऑडियंस तो क्रेजी है ही, तो मेरी ऑडियंस मेरे को मैसेज कर रही है, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके जब अपनी टीम को भेजा, उनको लगा भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये प्रैंक कर रहे होंगे, देख तो शेराया भी हो गया अपनी कम्युनिटी के साथ। फिर पता चला नहीं भाई, फक माय शो ने वही किया, व्हाट इट डज बेस्ट, फक माय शो। अच्छा, और एक बात होती है, ठीक है, जब टिकटें बिकती है ना, वो फेजेस में बिकती है, फेज 1 फेज 2 फेज 3 में बिकती है, ठीक है। मतलब जिसने सबसे पहले खरीद ली उसको सस्ते में मिलती है, उसके बाद की जो 200 टिकट होती है थोड़ी महंगी हो जाती है, और जो लास्ट की 100 टिकट है वो सबसे महंगी होती है, ठीक है। तो बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड पे होता है। तो क्या होता है, जबकि पहले फेज 1 की टिकट बिक जाती है ना पूरी, जब पहले 200 टिकट बिक जाती है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फेज खुल जाना चाहिए, ठीक है, कायदे से। पर नहीं, फक माय शो लिव्स इन 1932, तो फक माय शो को खुद से मेल डालना पड़ता है कि दोस्तों बिक चुकी है फेज 1 टिकट, अभी आपको फेज 1 अनलॉक करनी पड़ेगी। फिर जब उनका मन होता है, जब वो नींद से उठता है उनका आदमी, फिर वो देखता है कि चलो भाई अभी डालते हैं हम फेज 2 अनलॉक करते हैं, तो तब तक ऑडियंस कंफ्यूज रहती है कि शो सोल्ड आउट ही क्या है। तो गाइस, आज की वीडियो में तो बस इतना ही अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।